सोनभद्र के इतिहास की बात हो और उसमें विजयगढ़ एवं अगोरी दुर्ग की चर्चा ना हो, शायद ये संभव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में अगोरी राज्य था। लोक गाथा के अनुसार अगोरी के राजा मोलागत बहुत अत्याचारी था। उसके आतंक से राज्य की प्रजा आतंकित थी। वहां बेटियों की अस्मत सुरक्षित नहीं थी। वहीं अगोरी में ही मेहरा नाम का अहीर रहता था, जो धन धान्य से संपन्न था। प्रजा वर्ग का मेहरा के साथ बहुत अच्छा संबंध था। राजा को डर था कि प्रजा के साथ मिलकर मेहरा उसके साथ बगावत कर सकता है। प्रजा मेहरा को राजा मोलागत के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करती रहती थी। राजा मेहरा को कैद कर लेता है, क्योंकि राजा के अंदर तो असुरक्षा का भाव है। जनता का आक्रोश फूट पड़ता है। राजा चालाकी से काम लेता है और कहता है कि मेहरा हमारा समतुल्य है, वह महल में हमारे साथ जुआ खेलेगा। जो इस खेल में जीतेगा अगोरी राज्य पर वही राज्य करेगा। मोलागत छल पूर्वक मेहरा को जुए में हरा देता है। यहाँ तक कि वो जुए में मेहरिन की कोख को भी जीत लेता है और शर्त के मुताबिक मेहरिन की कोख से अगर बेटे का जन्म होते हैं तो वो राजा के घुड़सवार बनेंगे, और अगर मेहरिन की कोख से पुत्रियों का जन्म होता है तो वो राजा की रखेल बनकर रहेंगी। मेहरा की अंतिम संतान के रूप में देवी स्वरूपा मंजरी का जन्म होता है। मंजरी के जन्म होते ही चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल जाता है, सोने की वर्षा होने लगती है। मंजरी के पैदा होते ही राजा मोलागत मेहरा के द्वार पर आ जाता है और मंजरी को रनिवास भेज देने का हट करता है। मेहरिन कहती है कि राजा, मेरी 6 पुत्रियों को आप ले गए, ये मेरी 7वीं और अंतिम संतान है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। 12 साल पूरे होने पर किसी अबरा दुबरा को कन्या दान कर दूंगी। हम दोनों पति पत्नी धर्म अनुसार पवित्र हो जाएंगे और आप उस अबरे दुबरे को मारकर मंजरी को छीनकर राजमहल ले जाइएगा। राजा सहमत हो जाता है। इधर मंजरी समय के साथ बाल्य अवस्था को पार करती हुई बढ़ती जा रही है। मेहरा और मेहरिन बहुत चिंतित रहते हैं। मंजरी के विवाह हेतु योग्य वर की तलाश होती है। लोरिक का शारीरिक श्रेष्ठव्य और बल को देखकर लोरिक मंजरी का विवाह तय हो जाता है। लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में हुआ था। लोरिक को शक्ति की देवी दुर्गा इष्ट थी, जिसके कारण उनका शौर्य और पराक्रम समूचे लोक में विख्यात हुआ। यहीं से प्रारंभ होती है लोरिक के संघर्षों की गाथा। लोरिक अपने 1,25,000 बरातियों के साथ विवाह के निमित्त अगोरी आता है। अगोरी आने के साथ ही शुरू हो जाता है संघर्ष। बारात अगोरी के समीप सोन नदी के पास आकर रुकती है। राजा मोलागत भयभीत हो जाता है और नाविकों से नदी पार कराने से मना कर देता है, लेकिन लोरिक की वीरता आश्वस्त नाविक बारातियों को पार उतार देती है। लोरिक अपने पिता कठेत और भाई समेरु को एक एक कांख में दबाकर उफनती सोन नदी को पार करता हुआ चला जाता है। राजा अगारी के किले से ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है, अचंभित होता है और युद्ध की कल्पना कर उसे नींद नहीं आती। बारात अगोरी के समीप कोठानी आकर ठहरती है। मंजरी राजा मोलागत के छल प्रपंच से बहुत डरी हुई है। उसने रात्रि को ही लोरिक की वीरता परखने के लिए बुलावा भेजा। वो लोरिक से कहती है, आप मेरी मांग में सिंदूर डालकर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो सुबह होते ही राजा के सैनिक पूरे बारातियों सहित आपका वध कर देंगे। लोरिक मंजरी को आश्वस्त करते हुए कहता है, विवाह के निमित्त ही मैं राजा मोलागत के आतंक और अत्याचार को समाप्त करने आया हूँ। बात बात में ही लोरिक विशाल नाल को कनिष्ठा उंगली से उठाकर अपनी शक्ति से अवगत कराता है।
मंजरी का साहस बलवृत हो जाता है। वह अपने आराध्य देवी देवताओं से लोरिक को आशीर्वाद दिलाने के लिए रात्रि में ही गोठानी के महादेव मंदिर पहुंच जाती है। लोरिक भगवान महादेव का दर्शन कर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद वो दोनों ही पास में स्थित यदुवंशियों की कुल देवी वंसुरा देवी का दर्शन कर विजय का आशीर्वाद मांगता है। अघोरी किला की दक्षिणी दीवार से सटे मनिया देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद मांगता है। वह मंजरी को लेकर राजा के पहलवान मर्दमल के अखाड़े पर जाता है और अखाड़े रखे विशाल नाल को कनिष्ठिका उंगली से उठा लेता है। मंजरी के कहने पर नाल को दोबारा वहीं रख भी देता है। सुबह होते ही राजा मोलागत अपने सैनिक के साथ महारा के द्वार पर आता है और मंजरी से विदाई मांगने लगता है। मेहरिन कहती है, मंजरी अब मेरी नहीं रह गई, उसका विवाह लोरिक से हो गया है, अब लोरिक से ही मंजूरी वापस मिलेगी। राजा के सैनिकों से लोरिक का बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होता है। लोरिक राजा के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट देता है। युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि रक्त की धार बह चली, जिसे आज भी अघोरी में मेहरा की बखरी के पास बहने वाले नाले को रुधिरा नाला के नाम से जाना जाता है। नरमुंडों का ढेर लग गया, जिसे अब नगरवा पहाड़ कहा जाता है। मंजरी अब और चिंतित हो जाती है कि अब तो राजा मोलागत लोरिक को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। मंजरी भयातुर होकर कुचिला के फल को खाकर प्राण त्याग देना चाहती है। लोरिक मंजरी के हाथ से कुचिला के फल को छीनकर फेंक देता है। यह कुचिला का वृक्ष सिर्फ अघोरी के आसपास ही मौजूद है। लोरिक अपने बरातियों को आश्वस्त करके वापस गौरा भेज देता है। बड़े भाई सवरु दहेज में मिले मवेशी और अन्य सामान को लेकर कोलिया घाट से गुरुबल होते हुए वापस जाते हैं। मवेशियों के साथ गुरुबल में कुछ दिन के लिए रुके थे। उस स्थल को आज भी सवेरु को मयेरा नाम से जाना जाता है। लेकिन लोरिक मंजरी की विदाई कराकर डोला जिरहा वस्त्र के मैदान में रोकने का आदेश देता है। राजा किले से अपने पालतू हाथी इंद्रावत को मदिरा पिलाकर उसके सूंड में मूसल थमाकर लोरिक को मारने के लिए भेजता है। लोरिक विशाल हाथी को मारकर उसे धाराशाही कर देता है और हाथी को उठाकर किले के सामने सोन नदी में फेंक देता है। आज भी हाथी का प्रतीक प्रस्तर किले की के सामने मौजूद है। राजा अपने पहलवान मर्दमल को आधा अघोरी राज्य देने का लालच देकर अघोरी से युद्ध को भेजता है। लोरिक से मर्दमल का भयंकर युद्ध होता है। लोरिक मर्दमल को बार बार उठाकर धरती पर पटकने लगा। मर्दमल के शरीर से रक्त साफ होने लगा। उसके बाद राजा अपने योद्धा रत्नुभाट जो छल युद्ध करता था उसको लोरिक से युद्ध करने के लिए भेजता है। लोरिक रत्नु को भी पराजित कर देता है। अब राजा अपने मित्र कोटा के राजा सखलेश पूरब के राजा बघेल दक्षिण के कोरई एवं उत्तर के राजा सलेक को युद्ध में भेजता है। ये सभी युद्ध में मारे जाते हैं। अंत में राजा मोतागत अपने भांजे कोट बदोखरी के राजा निर्मल को युद्ध के लिए भेजता है। अतुलित बलशाली राजा निर्मल का लोरिक से भयंकर युद्ध होता है। अंत में लोरिक ने निर्मल के सिर को धड़ से अलग कर सोन नदी के किनारे रेत में गाड़ दिया। निर्मल की पत्नी जय कुंवर अपने पति के सिर को गोद में रखकर सती हो गई, जो कुंवर की सतीत्व की आभा के रूप में सीता के स्थान पर कुछ दिनों में एक बैर का पेड़ उगाया, जिसे अगारी क्षेत्र में आज भी लोग सतिया का बैर कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। राजा मोलागत मेहरा को किले में कैद करा लेता है। लोरिक मेहरा को छुड़ाने के लिए किले में प्रवेश करता है। चारों तरफ से राजा के सैनिक लोरिक को घेर लेते हैं और उससे युद्ध करते हैं। लोरिक सभी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डालता है। राजा मोलागत लोरिक के भय से किला छोड़कर भाग जाता है और प्राण रक्षा के लिए सोन नदी के भैंसासुर दह में कूद पड़ता है, जहां उसका अंत हो जाता है। प्रजा लोरिक की जय जयकार करने लगती है। लोरिक अघोरी का राज्य प्रजा के प्रतिनिधि को सौंपकर
और मंजरी को लेकर मारकुंडी पर्वत पहुंचते हैं। मंजरी की डोली वहीं रुकती है। मंजरी लॉरी को निकट बुलाकर निवेदन करती है कि स्वामी इस स्थल पर कुछ ऐसा स्मृति चिन्ह बना दें जिसे देखकर मानव जात के लोग युगो युगो तक आपकी यश कीर्ति का स्मरण करते रहें। लॉरिक ने कहा, आप ही सुझाव दें किस प्रकार की स्मृति चिन्ह छोड़ूं। मंजरी अपने पास एक विशाल शिलाखंड की ओर संकेत करते हुए उसे दो भागों में विभक्त करने को कहती है। लॉरिक ऐसा ही करते हैं। वे अपने तलवार, बिजुलिया, खांड एक ही बार से शिलाखंड को दो बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं। परंतु शिलाखंड का एक भाग दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर नीचे गिर गया। मंजरी लॉरिक के पास आकर कहती है, ऐसे नहीं, बाएं हाथ से शिलाखंड पर प्रहार करें और दाएं हाथ से शिलाखंड के कटे भाग को कटा भाग खड़ा ही रह गया। मंजरी अपने वीर पति की कृति को देखकर मग्न हो गई। उसने खड़े शिला पर अपने मांग के सिंदूर से दाएं हाथ की अनामिका उंगली से 5 टीके लगा दिए, जो आज भी लग्न मुहूर्त के समय चमकता है जैसे आज ही लगाया गया हो। अब उस शिलाखंड को वीर लॉरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। जल्दी ही आप सोनभद्र के किसी और स्थान की पूरी जानकारी देखेंगे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया पर।